चौहान साहब, बड़े दावे हो रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद हम कामयाब करेंगे और चेयरमैन सीनेट को घर भिजवाएंगे, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन ने बजट के हवाले से भी यही दावे किए थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, और बिलावल जरदारी साहब ने कहा था कि एक टांग से जना हुकूमत गिरा दूँगा और दूसरी टांग से जना वो बजट रोकूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों काम वो नहीं कर सके। इसी तरीके से ये जो सादिक सन्जरानी साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई है, ये अपना थूका चाटने के मुताबिक है पीपल्स पार्टी के लिए स्पेशली। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे भी इन्हें नाकामी और नामरादी ही मिलेगी, और वो राहबर कमेटी, ये जिसको मैं राहजन कमेटी कहता हूँ, राहजन कमेटी नॉन इलेक्टेड लोगों की कमेटी है। हैरानगी की बात है कि नॉन इलेक्टेड लोगों ने एक इलेक्टेड बंदे के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है। मैं इनसे पूछूंगा, बिलावल जरदारी साहब से और इस बेगम सफदर नवाज साहिबा से, कि किस मुंह से वोट को इज्जत दो की बात करते हैं कि नॉन इलेक्टेड लोग एक इलेक्टेड बंदे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। अच्छा, फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान को पार्लियामान में एक बड़ी नुमाइंदगी मिली थी जैसे चेयरमैन सीनेट है या स्पीकर, इससे क्या मैसेज जाएगा बलूचिस्तान के? कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा ना, अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस एक्ट के जरिए से भी रसवाई और जगहसाई से ज़्यादा और कुछ इनके खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।